तो हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है ये न्यू वीडियो में। गाइज जब मैं गुड आप लोग दोस्तों, गाइज आज बराडो में हम लोग वापस हैं एक और बार कार पार्कोर चैलेंज में। और आज बराडो में गाइज हम लोग करने वाले एक और न्यू मस्त कार पार्कोर चैलेंज, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले खेल रखा है, बट आज हमें टिप्सर ने एक और न्यू चैलेंज दिया उसमें, जो मैं आगे बताता हूँ आप लोग को। उस पहले जिधर मैं हमारे चैनल पर नया हूँ, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने का चैनल नोटिफिकेशन का सामने का उसे क्लिक करके चेक कर देना हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन में सबसे पहले। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना गाइज, क्योंकि आपको हर एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है गाइज। अभी मैंने चालू कर दिया गाइज पार्कोर को, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाला जो पार्कोर है काफ़ी ज़्यादा ही अनोइंग होने वाला है, बट आज हमें इसे कैसे भी करके 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। और टिप्सन को बताना है कि हम लोग पार्कोर सच में बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं। किसी को कॉपी नहीं कर ओके तो देखो, टिप्सन ने हमें चैलेंज दिया है कि ये वाला पार्कोर है ना गाइस, जो पहले मैंने पहले जब खेला था इस पार्कोर को, जब दूसरा गेम था वो, तब ये पार्कोर में गया था कि थोड़ा सा नॉर्मल था, और ये वाला मोड जो अभी मैं खेल रहा हूँ वो हार्ड मोड पे है। कुछ चीज़ें इसमें काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंट हो चुकी है, जैसे आप लोग देख ही सकते हो, ये यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा डिफरेंट है। पहले सामने सामने जो गोल वाला है ना, सामने सामने था, बट ये उन्होंने डिफरेंट डायरेक्शन भी दे दिया। अब इसे करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे को, बट ऐसे हम लोग कैसे भी करके इस पार्कोर को 10 मिनट के अंदर कम्प्लीट करना है। तो देखते हैं आज ये वाला चैलेंज कंप्लीट हो पाता नहीं। और बंदे काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि ना आप भाई इजी मोड क्यों नहीं खेलते हो, तो गाइस इजी मोड में क्या है, वो ना सिर्फ क्वाइन कलेक्ट करने के लिए बढ़िया सा इजी मोड दिया गया है, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, हार्ड नॉर्मल सा ही पार्कोर होता, बस आगे इधर उधर जाना होता है। आप लोग इतना ही बोल ही रहे हो, तो चलो आज ना 10 मिनट के अंदर हम इस पार्कोर को कम्प्लीट करते हैं, और ईजी मोड भी खेल के मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। चलो इधर फोकस करते हैं, उससे पहले मेरे को आज इसे 10 मिनट के अंदर कंप्लीट भी करना है और आप लोगों को इजी मोड भी दिखाना है, तो चलो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। ये इजी मोड खेलना ये तो बिल्कुल भी आज मेरे स्क्रिप्ट में नहीं था, बट हाँ अब मैंने बोल दिया है तो ज़रूर से हम लोग करेंगे इसको भी ट्राई। अब देखो गाइज ये जो है मेरे को पता नहीं बूस्ट दे के करना है या नॉर्मल हो जाएगा, आई डोंट नो, बट देखते हैं। रुको सबसे पहले इसको पूरा पीछे ले चलते हैं और बूस्ट देते हैं। और अबे ये गाड़ी रुक कैसे गई, आई डोंट नो नो नो। अबे यार भाई ब्रेक मारी ही नहीं भाई मैंने, बिना ब्रेक मारे ही मतलब गाड़ी पीछे कर रहा था भाई, ब्रेक लगी ही नहीं भाई, और इसके चक्कर में बैंड बज गई, क्या बोलूं भाई। ओ नो ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से मुझे इस पे जाना है आराम से ना। अबे भाई रीप्ले कर दो यार, मैं ना एक भी लाइफ अपना गंवाना नहीं चाहता हूँ भाई, एक भी अगर रिस्पॉन वाला बच रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, बिकॉज वो चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा आगे जाके बहुत हेल्प कर सकती है। ब्रो लेजेंड और हम सब बढ़िया, बहुत बढ़िया था ये जंप सबसे बढ़िया था, मैं सच्ची बोलूँ। यहाँ से मेरे को यहाँ पर जाना है, बस यहाँ से ऊपर जाना है, एकदम बढ़िया जंप, सामने के लिए जाना है, बस सही है, मस्त बहुत बढ़िया। अब मेरे को इसका ना मोड चेंज करता हूँ, रुको यार यहाँ से बढ़िया मोड चेंज कर लिया जिससे ज़्यादा ओवर व्यू दिखे, ऐसे नॉर्मल सामने का उतना दिखता नहीं है, इसके कारण से इस मोड में ज़्यादा खेलना पसंद करता हूँ। ओके साउंड थोड़ा कम कर लिया, बहुत ज़्यादा साउंड था मैंने, ठीक है। यहाँ पे इधर जाना है मेरे को, अब यहाँ से थोड़ा पीछे आना है और बाकी बात बागे। ओके फिर से चलो, यहाँ से मेरे को यहाँ पर जाना है नॉर्मल, ये भी बढ़िया हो गया, और ऊपर जाना है, थोड़ा सा पीछे आना है। अब देखो गाइस मैंने दो बार यहाँ पे बूस्ट वाला ट्राई कर, एक बार तो मैंने बूस्ट वाला ट्राई करना चाहा था बट पीछे ही गिर गया था, बट देखते हैं बूस्ट वाला ट्राई करके। तो मुझे बूस्ट देना है, फुल स्पीड में जाना है और कैसे भी करके उस प्लेस पर रोकना है अपने आप को। नो अबे भाई यार बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, वो वाला बूस्ट देते हैं गैप, अबे यार इतना पीछे, और को मैं बताता हूँ, गैप गैप वाला बूस्ट देते हैं, मतलब बूस्ट देंगे छोड़ेंगे, बूस्ट देंगे छोड़ेंगे, ऐसा दो बार करेंगे तो अपना काम बन जाएगा जहाँ तक मेरे को लगता है, देखते हैं। आ जाओ मेरे को यहाँ पे जाना है, यहाँ पे चलो पीछे लो पीछे लो, और बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस बूस्ट देना है, रोकना है, बूस्ट देना है ना ब्रो। अबे यार ये कैसे होगा, ये तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा,
ठीक है, मेरे पास बस एक और आइडिया है कि नॉर्मल जंप ही कराना है, तो देखते हैं नॉर्मल जंप करा के भी एक ये भी ट्राई कर ही लेते हैं। अब लास्ट एक हेल्थ बचा है, मतलब लाइफ बचा, तो वो भी कर ही लेते हैं, बिकॉज ये पार्कोर पता नहीं कितना बड़ा है, डोंट नो, दिख तो रहा है वहीं तक का, बट देखते हैं। तो मेरे को यहाँ से आगे तक जाना है और हेल्प रुको यार, गाइस मैंने ठीक किया, मैंने थोड़ा सा बूस्ट मार दिया ब्रो, मैंने थोड़ा बूस्ट मार दिया बिकॉज गाड़ी के मेरे अंदर स्पीड ही जनरेट नहीं हुई थी, बढ़िया था, मैंने बूस्ट मार दिया। चलो ये भी हो गया, तो मेरे को समझ में तो आ गया है वो कैसे करना है, बट अगर यहाँ से गिर जाता हूँ तब भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है अभी हम लोग को। ओके बढ़िया, अभी सीधा ऊपर चलते, थोड़ा सा बूस्ट मैंने मार दिया कि स्पीड जनरेटेड है, वरना स्पीड गिर गई तो सीधा कहानी ख़त्म हो जाएगी। बढ़िया चलो ये बढ़िया है, यहाँ से मुझे इधर के साइड जाना है आराम से। चलो बढ़िया, अब यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाना है, दिखना थोड़ा सा ना, दिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, देखो ना दिख ही नहीं रहा इतना बढ़िया से, यहाँ से ना सही से करना करना गिर जाएगा गुरु। ओके बढ़िया, ओके ओ नो गाड़ी अटक गई, पीछे आएगी नहीं, आगे जाना पड़ेगा। ओके बढ़िया, थोड़ा सा पीछे लो, गाड़ी कैसे भी करके टर्न करनी बस। ओके ओके गाड़ी अटकनी नहीं चाहिए, बढ़िया चलो ये भी हो गया। अब ये क्या है, ओके तो यहाँ से यहाँ पे जाना है, ये है क्या वैसे पता नहीं, यहाँ पे बस गिरा देनी है गाड़ी को। ओके बस आराम से लैंड कर जाना, ओ भाई क्या एज पे लैंड हुई है, एज क्या गाड़ी का टायर ही आगे चला गया था। ओ भाई यहाँ पे जंप है, हे भगवान, पहले ना यहाँ पे एक जगह थी जिसे हम लोग को आगे आराम से जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे जंप है। ठीक है तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे को वहाँ लैंड करना है, तो यहाँ से कॉर्नर से जाना पड़ेगा। ओके बढ़िया, बस रोक दे, बहुत बढ़िया भाई, मैं एंड में पहुँच चुका हूँ भाई साहब, भाई 7 मिनट हुए अभी तक, अगर मैंने इस बार पार कर दिया ना इसको तो टिप्सन के चैलेंज को तो भाई फोड़ दूंगा मैं, सीधा फोड़ दूंगा भाई लेजिट। उसने 10 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करने के बोला है, भाई मैं तो 8 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर दूंगा, और मैं अभी से अगर नहीं गिरा तो देखते हैं फोड़ पाऊंगा नहीं यार टिप्सन के चैलेंज को मैं, लेट्स सी। अभी मेरे पास 30 सेकेंड और हैं, मैं आराम से जा रहा हूँ बिकॉज मेरे को गिरना नहीं है यहाँ से। बढ़िया ओके चलो बूस्ट दे देते हैं और कहानी को कर देते हैं हम लोग ख़त्म, बहुत बढ़िया भाई। देख लो भाई 8 मिनट के अंदर इस चैलेंज को मैंने कंप्लीट कर दिया, टिप्सन के चैलेंज को, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, लाइक कर दो यार और सब्सक्राइब भी कर ही दो अब लाइक कर रहे हो तो। आज अगर आप लोग को ईजी मोड खेल के भी दिखाई देता हूँ, जैसे कि मैंने बोला था, तो क्योंकि ईजी मोड में होता कुछ नहीं, बूस्ट पहले से लोग देते नहीं है, बूस्ट अपने आप जनरेट करना पड़ता है इसके अंदर, और यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल कॉइन रहता है जिसको हम लोग कलेक्ट करना पड़ता है, और आगे के जितने भी वो रहते हैं थोड़े से जो नॉर्मल पार्कोर रहता है उसको ही करना पड़ता है। ईजी पार्कोर बहुत ज़्यादा आसान होता है, मैं सच्ची बोलूँ तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने इसको खेला था जहाँ तक मेरे को याद है 10 राउंड खेले थे मैंने, और उसके आगे मैंने कभी खेला ही नहीं बिकॉज ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज खेल के बता दे रहा बिकॉज काफ़ी सारे बंदे पूछ रहे थे इसके बारे में। ठीक है एक और लेवल खेल के दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो कि ज़्यादा बढ़िया रहेगा, देखते हैं कुछ बढ़िया आता है नहीं। ओह ये कुछ बढ़िया है, ओके भाई ये मैंने एक बार खेला है ऐसा ऐसे पार्कोर में, बहुत बढ़िया भाई ये कॉन्सेप्ट, बढ़िया ये देखो ना भाई सही है। यहाँ से कैसे, ओ ब्रो भाई ये इजी मोड में तो बड़े बढ़िया बढ़िया चीज़ है यार भाई, कितने सारे कॉइन्स हैं यहाँ पे। ये गाइस कॉइन्स इसलिए है ना बिकॉज आप गाड़ियाँ खरीद सको, क्योंकि गेम में आप लोग ने देखा होगा बढ़िया बढ़िया कार से, लैम्बोर्गिनी है और F1 कार है और बहुत बढ़िया बढ़िया कार्स है, तो उनको ख़रीदने के लिए उन्होंने दे रखा है कि आप उससे खरीद सकते हो। भाई साहब कितने 1000 गोल्ड उठा लिया भाई मैंने, बढ़िया वैसे तो, इसलिए इन्होंने इजी मोड दिया है कि बंदे जिनको कार चलानी है वो आराम से चला सकते हैं, नया नया कार बाई कर सकते हैं इस मैगन उससे इस लेवल से। यहाँ पे फास्ट है और बढ़िया जो भी है। चलो ये लेवल भी कंप्लीट हो चुका है, अभी ना एक और पार्कोर खेलते हैं और देखते हैं कुछ और बढ़िया आता है नहीं, बिकॉज ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट था मैं सच्ची बताऊँ तो, ये तो बढ़िया था बोलो। ये क्या है आई डोंट नो, इन्होंने स्टार्टिंग में मैग्नेट दिया मेरे को, भाई मैग्नेट ना गोल्ड कलेक्ट करता है, बताओ भाई यार क्या चल रहा है भाई। बढ़िया बढ़िया, इन्होंने
तो वो इजी मोड में क्या है, सिर्फ नॉर्मल जंप वंप होता है और उसी में अभी तक तो नॉर्मल जंप ये सब ही आ रही है। आगे कहीं मैं खेलूँ तो थोड़ा सा हार्ड हो जाए, बट मुझे नहीं लगता हार्ड होगा बिकॉज गेम इन्होंने नाम ही दिया ईजी मोड, तो ये हार्ड तो होगा ही नहीं जहाँ तक मेरे को लगता है। और भाई ये काफ़ी ज़्यादा ईजी था, आराम से पार हो गया। तो चलो गाइज, आई होप सो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टिप्स एंड के चैलेंज को मैंने तो बहुत बुरी तरीके से फोड़ दिया है, तो आई होप सो गाइज आप लोग वीडियो पसंद आएगी, अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो गाइज, आज की छोटी सी ब्लॉग बस इतना ही, मैं बोलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय या गाइज।